मल्टी ब्रांड रिटेल वोट नहीं डाला। वॉलमार्ट के 9826 स्टोर्स पूरे दुनिया में। फ्रांस की कंपनी कारफोर रिटेल बिजनेस के कारोबार में दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी है। इस समय ये कंपनी दुनिया के 32 देशों में अपना कारोबार कर रही है। 6520 अरब की इस कंपनी ने भारत में कैश एंड कैरी होलसेल कारोबार में 100% FDI निवेश करने के रास्ते खुलने के बाद 450 करोड़ रुपया भारत में लगाया। कारफोर ने भारत में कैश एंड कैरी कारोबार के लिए 5 होलसेल स्टोर खोले। इस कंपनी ने भारत में अपनी शुरुआत सन 2010 में दिल्ली के सीलमपुर में पहला स्टोर खोलकर की। कोबरा पोस्ट ने कारफोर के 5 स्टोरों में से 4 स्टोरों में अपनी छानबीन करी। हमने पाया इस विदेशी कंपनी के चारों होलसेल कैश एंड कैरी स्टोर उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर भी खरीदारी करा रहे हैं। भारत में रिटेल के कारोबार में अभी भी FDI को सरकार ने मंजूरी नहीं दी है, इसलिए कोबरा पोस्ट का ये खुलासा सरकार की आँखें खोल देने वाला है। यहाँ से कितने की शॉपिंग की आज? अभी हमने 3000 की शॉपिंग करी है। ये कहाँ बेचेंगे ये सारे प्रोडक्ट? हम तो घर घर लेते हैं। अच्छा, आप कहीं बेचते भी हैं सामान? नहीं 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 नहीं, हमारा हो, हमारा घर घर रहते 2 महीने एक साथ। हमें जानकारी मिली कि वॉलमार्ट, मेट्रो और कारफोर जैसी विदेशी कंपनियां होलसेल के नाम पर रिटेल के कारोबार में लिप्त हैं। अपनी जानकारी को पुख्ता तौर पर जांचने के लिए कोबरा पोस्ट की टीम ने मेरठ का रुख किया। सबसे पहले हमारी टीम ने मेरठ में कारफोर के होलसेल स्टोर का दौरा किया। यहां हमारी टीम की मुलाकात हुई कारफोर होलसेल के की अकाउंट मैनेजर कमल कांत से। कमल कांत को हमारे रिपोर्टर ने बताया कि गाजियाबाद में उसका फूड एंड सप्लाई का काम है और अब वह हाउसिंग अपार्टमेंट में वहां के लोगों को मेरठ के स्टोर से पर्सनल शॉपिंग कराना चाहता है। ये बात FDI के नियमों के तहत पूरी तरह से गैर कानूनी थी, लेकिन कारफोर के मैनेजर इस नियम को जानने के बाद भी हमारे साथ अपने होलसेल के स्टोर में रिटेल का अवैध बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। कारफोर के की अकाउंट मैनेजर कमल कांत ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। अच्छा, क्या ये पॉसिबिलिटीज है कि हम कुछ, जैसे कि हमारे पास कुछ सोसाइटीज भी हैं, उनको हम शॉपिंग कराना चाह रहे हैं, लेके आए हैं और शॉपिंग करा दें, उसका क्या है, आप क्या देंगे उसके लिए? उसका मैम आपको कोई बेनिफिट कर लेगा कि उसका कंज्यूमर सोसाइटी टर्म्स ऑफ। हाँ, आप उन पर्टिकुलर पार्टीज को यहाँ पे लेके आए और उनको उसका बेनिफिट मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊँ डायरेक्ट। अच्छा, उनको तो मिलेगा, उनको मिलेगा, उनसे अगर तो तय कर लें उनको ये मिलेगा कि आज की डेट में अगर मैं एक चाय पत्ती की बात करूं, मैंने आपको बताया मार्केट में आज डेट में गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पीने जाते हो, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक 75 रुपये मार पीके आपका पड़ोसी दुकानदार है, बहुत अच्छा आपको 73 की दे देगा, 72 की दे देगा, इससे नीचे नहीं, लेकिन मेरे यहाँ वो रेट फ्लैट 65 रुपये लगा भाई। अच्छा, उनके पास मतलब कार्ड कैसे बनाएंगे, कैसे 33 लाइसेंस की अगर कंज्यूमर सोसाइटी में कंज्यूमर सोसाइटीज का उनका अपना रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद उनका जो है यहाँ पे पास कुछ नहीं होगा, कंज्यूमर सोसाइटीज के बाद होता है यार। कमलकांत यह खुलकर बताता है कि वह यह गैर कानूनी काम किस प्रकार करेगा। कमलकांत उन सभी लोगों को स्टोर में एंट्री करवाने के लिए तैयार हो जाता है जिसे रिपोर्टर भेजेगा। कमलकांत क्या कहता है, जरा आप भी सुनिए। वो मैं कर दूंगा, वो पर्सनली मैं आपका ये कार्ड जो 10 बंदे आ रहे हैं मैं अलाउ कर दूंगा, किसी से भी शॉपिंग कर लो। कारफोर जैसी विदेशी कंपनियां किस तरह से FDI के नियमों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही हैं, इसका हमें यहां साफ पता चल रहा था। स्टोर के मैनेजर अपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति को होलसेल के नाम पर रिटेल में शॉपिंग कराने के लिए न सिर्फ तैयार दिखे बल्कि जांच में न पकड़े जाएं इसका रास्ता भी बताया। कमलकांत ने बताया पर्सनल शॉपिंग करेंगे, बिलिंग उस कार्ड पर होगी। इंडिविजुअली है एक तरीके से, क्योंकि हमारे बिहार पे हम उनसे तय करेंगे मार्जिन, उनको एक साथ लेके एक एक सोसाइटी में हम लोगों ने मेंबर बना रखे हैं, उस तरीके से बिल्कुल हम लेके आएंगे। हाँ,
वो तो आप उनसे अपनी वो सेटिंग कर सकते हो कि इतना फिर आप यहां मार के आप यहां परचेजिंग करेंगे फिर आप उन्हें वो इंडिविजुअल लेके आएंगे केवल हम उनसे चार्ज लेंगे आने ले जाने का और प्लस उनसे तय कर लेंगे कि आप जितना भी मतलब 1000 का आप शॉपिंग करते हो तो टोटल पे इतना परसेंट टोटल नंबर ऑफ वैल्यू पे आप उनसे परचेसन बस ये है हम मैं खरीद के नहीं दूंगा वो खुद यहाँ पे आ जाएंगे जो परसेंट जो भी आपका होगा वो आप हाँ इस तरीके से उसके लिए मुझे लिस्ट चाहिए होगी आपको शॉपिंग कराने के लिए इनमें से लाइसेंस मतलब हम दे देंगे लेकिन इंडिविजुअल शॉपिंग वो करेंगे कोई इशू नहीं वो आपके जो जो लाइसेंस आप मुझे बता देगा इन सब बंदों की लेकिन वो कितने परसेंट का कितना अलाउ है क्योंकि वो मैं कर दूंगा वो पर्सनल लेवल पर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ ये कार्ड जो पर आप 10 बंदे आ रहे हैं मैं अलाउ कर दूंगा किसी से शॉपिंग वो अपना इंडिविजुअल पर्सनल शॉपिंग करेंगे पर्सनल शॉपिंग करेंगे नहीं आपकी फर्म के ऊपर लेकिन बिलिंग बिलिंग उस कार्ड की बिलिंग आपकी किसी फर्म की होगी बिलिंग मेरी होगी इंडिविजुअल लेकिन कल ऐसा ना हो कि हम मतलब 10 मेंबर लेके चले आए आप आप यहाँ पे एंट्री में प्रॉब्लम हो गई छानबीन को आगे बढ़ाते हुए कोबरा पोस्ट की टीम ने रुक किया आगरा का आगरा के कारफोर कैश एंड कैरी होलसेल स्टोर में हमारे रिपोर्टर की मुलाकात हुई स्टोर के की अकाउंट मैनेजर अमित रावत से कारफोर के आगरा होलसेल स्टोर का हाल भी मेरठ स्टोर से जुदा नहीं था इस स्टोर में भी होलसेल के नाम पर रिटेल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था हमारे रिपोर्टर ने मेरठ की कहानी आगरा के स्टोर में भी दोहराई हमारी कहानी सुनने के बाद स्टोर के की अकाउंट मैनेजर ने क्या कहा जरा आप भी सुनिए देखो बेस्ट प्राइस में मेरे ख्याल से पर्सनल शॉपिंग नहीं होती वहाँ पे है ना तो यहाँ पे हम करवा देंगे लिए हमारा तो हम फूड कोर्ट को सप्लाई करते हैं फूड कोर्ट में हाँ लेकिन उसके अलावा मेरे पास सोसाइटियाँ हैं हाउसिंग सोसाइटी ओके तो पर्सनल उनको हम लेके आते हैं बसों में और शॉपिंग करा के वापस ले जाते हैं उस टाइप का है तो आपके हम फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे जो भी आपकी फॉर्मेलिटी होगी बेस्ट प्राइस में मेरे ख्याल से पर्सनल शॉपिंग्स नहीं होती यहाँ पे है ना हाँ। तो यहाँ पे हम करवा देंगे आपके जैसे काउंटर भी यहाँ पे हैं तो आपका जो भी हाउस कीपिंग आप लेके आते हैं जो भी सोसाइटीज़ को लेके आते हैं तो आपके बिल पे ही करवा देंगे मल्टीपल बिलिंग करवा देंगे स्टार्ट करा देंगे ऐसा नहीं कि किसी को वेट करना पड़े एक ही लगा लगे आपके सिंगल उस पर 3-4 काउंटर पर बिलिंग स्टार्ट करवा देंगे आपकी कारफोर आगरा स्टोर का की अकाउंट मैनेजर मेरठ स्टोर से भी एक कदम आगे जाकर हमारे अपार्टमेंट के सदस्यों को रिटेल की खरीदारी कराने के लिए तैयार था यहां तक कि 100 लोगों को भी एक साथ पर्सनल शॉपिंग कराने में उसे कोई परेशानी नहीं थी अमित ने कहा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आप जैसे 100 कस्टमर लेके आए हो आप एंट्री करवा देना उनकी और जो भी बिल करवाना चाहेगा है ना हम उनको एक कार्ड वो नंबर दे देंगे कितने कस्टमर एक साथ कर सकते हैं जितने काउंटर खाली पड़ेंगे उस पे सब करवा मैं एंट्री कितना 100 तक ला सकता हूँ उनका कार्ड कार्ड उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप जैसे 100 कस्टमर लेके आए आप एंट्री करवा देंगे उनकी और जो भी बिल कराना चाहेगा तो हम उन पर कार्ड वो नंबर दे देंगे जो आपको फॉर्मेलिटी करके आप अपना वो करेंगे ना रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो नंबर हम दे देंगे उनको सबको जो जो करवाना चाहिए वो नंबर लेके पर्ची पे रखना या जैसे आप बस में लेके आते हैं तो बस पे सबको एक बार कॉमनली सबको एक नंबर नोट करा देना अपना कि आप वहाँ जाना एंट्री मैं यहाँ पे करवा दूंगा आपकी आप अंदर आए वो अपना परचेज करेंगे उसके बाद वो नंबर जो है ना वो यहाँ पे आके इसमें करा देंगे अच्छा कार्ड नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं नंबर चल जाएगा हमारे रिपोर्टर ने स्टोर के की मैनेजर को और कुरेदने की कोशिश की तो की मैनेजर ने रिपोर्टर को भरोसा दिलाया कि कितने भी लोग क्यों ना हो वह आसानी से रिटेल खरीदारी के लिए स्टोर में एंट्री करवा देगा अमित ने कहा आप उसके लिए मेरे से एक दिन पहले फोन पे बात कर लेना तो मैं आपकी वो करवा दूंगा
ऐसा तो नहीं हम लेके आ गए बस और आपके कोई आ गए सुपरवाइजर वगैरह उन्होंने मना किया कि नहीं आप उसके लिए मैसेज एक दिन पहले फोन कर अच्छा तो मैं आपका पर्सनल इंडिविजुअल शॉपिंग करेंगे घर की कितने तक की शॉपिंग कर सकते हैं 1000 की मिनिमम है मिनिमम तो है ही तो है 1000 कोबरा पोस्ट की टीम ने आगरा के कारफोर होलसेल स्टोर का एक बार फिर दौरा किया। इस बार फिर हमारी मुलाकात की अकाउंट मैनेजर अमित रावत से हुई। हमारी टीम ने अमित को बताया कि हम अपने अपार्टमेंट के मेंबरों को आने वाले दिनों में एक बस में भरकर शॉपिंग कराने के लिए लाने वाले हैं और पर्सनल खरीदारी के वक्त हमारे मेंबरों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बार हमारी टीम ने अपने हाउसिंग अपार्टमेंट के मेंबरों की खरीदारी के लिए कारफोर कैश एंड कैरी स्टोर का मेंबरशिप कार्ड भी बनवा लिया। एक्चुअली जो हमारी बात हुई थी ना कि मेंबर्स को लाने के लिए मेरे जो मतलब हमने बनाए अपने मेंबर्स हाउसिंग अपार्टमेंट में, तो उससे पहले मैं एक बार मैंने कहा कि लाऊं और फिर कहीं दिक्कत हो जाए तो मैं कल परसों या मंडे को जब भी आप टाइम देंगे तो उस दिन बन जाएगा। कार्ड बना हुआ है आपका? कार्ड तो मैं आप कहेंगे उसी के बाद बनवा लूंगा। नहीं उसके बाद कैसे बनाएंगे, पहले तो बनवाना। नहीं पहले ही मतलब उन्हें लाने से पहले आप बन जाएगा। एक साथ आएंगे 50 करीब, कोई दिक्कत नहीं है। 50 लाख 100 लाख कोई मतलब मैं बस लेके आ जाऊँ यहाँ फिर कोई मतलब आप मैं कह रहा हूँ ना ठीक बस जिस दिन फाइनल करोगे उससे एक दिन पहले मैं बता ठीक है ठीक। विदेशी कंपनियां किस तरह से FDI के जरिए मिले होलसेल लाइसेंस का दुरुपयोग कर रही हैं, इसका एक नज़ारा आप कारफोर के होलसेल स्टोर मेरठ और आगरा में देख ही चुके हैं। हमारी टीम के लिए जानना जरूरी था कि क्या इस विदेशी कंपनी के दूसरे स्टोर्स भी भारत सरकार के FDI नियमों को ताक पर रखकर उपभोक्ताओं को अपने माल को सीधे तौर पर बेच रहे हैं। इसी बात का जायजा लेने के लिए हमारी टीम ने जयपुर के कारफोर होलसेल स्टोर का रुख किया। यहाँ हमारी मुलाकात हुई फ्लोर मैनेजर गोविंद सोनी से। गोविंद सोनी के सामने हमारी टीम ने वही कहानी दोहराई। गोविंद सोनी ने क्या कहा आप खुद सुनिए। मैं दूसरा मेरा ये था कि मैं पूरा आपका क्लियर करके चलना चाहता हूँ कि आपको मैंने फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर दी। मेरा यहाँ पर जो भी मतलब आपका सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी में टाइप है तो उन लोगों को, सोसाइटी के लोगों को लाऊंगा मैं आपके यहाँ। बस में लेके आया 100 लोगों को लेके आया और उनकी शॉपिंग कराई मैंने, तो उसके लिए क्या आप कार्ड, कितने कार्ड मुझे देंगे? सर मैं एक फर्म पर तो एक ही कार्ड इशू, तीन कार्ड इशू कर सकता हूँ एक फर्म के ऊपर। तो आप जो लेके आएंगे उनको आप उन्हीं तीन कार्ड पर बिलिंग करवा लीजिए। FDI होलसेल पॉलिसी के मुताबिक किसी भी होलसेल स्टोर में किसी भी उपभोक्ता को स्टोर के अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं होती, लेकिन कारफोर के जयपुर स्टोर के फ्लोर मैनेजर इस स्टोर में 100 से अधिक उपभोक्ताओं को एक साथ प्रवेश दिलाने के लिए तैयार दिखे। गोविंद ने कहा एंट्री दे देंगे, वो तो आप करोगे ना कि आप किसको भेज रहे हो। तो हंडे एंट्री कैसे करेंगे बिना कार्ड? वो तो आप कंफर्म करोगे ना कि आप किसको भेज रहे हो। मतलब 100 लोग एक साथ आ गए तो क्या आप अगर मुझे कंफर्म कर दोगे कि ये लोग मेरे बिहाफ पे मैं भेजवा रहा हूँ, आप मुझे इन्फॉर्म कर दो कि मैं उनको एंट्री करोगे। उनके पास कार्ड नहीं होगा फिर कोई इशू नहीं, पर आप नहीं हुए फिर? नहीं वो तो आपके बिहाफ पे मैं पहले एक लेटर इशू करके जाऊंगा कि जो लोग आपका पर्टिकुलर एक कोड नंबर या फिर आपका कार्ड नंबर आके बोलते हैं कि उन्होंने भेजा और आपका कंफर्मेशन उसके ऊपर आता है, हम उनको एंट्री करेंगे। कोबरा पोस्ट का रिपोर्टर कारफोर होलसेल के फ्लोर मैनेजर को बार बार आगाह कर रहा था कि FDI नियमों के तहत कोई उपभोक्ता सीधे तौर पर माल नहीं खरीद सकता, लेकिन स्टोर की सेल बढ़ाने के लिए इस विदेशी कंपनी का ये मैनेजर कुछ भी करने को तैयार था। गोविंद सोनी ने कहा मैं यहाँ इंचार्ज हूँ, पूरा एरिया मैं देखता हूँ, यहाँ सेल्स का आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, सेकंड ये था कि मतलब वो पर्सनल शॉपिंग करेंगे क्योंकि जो भी लोग लाएंगे हम उनका इंडिविजुअल शॉपिंग होगा। हाँ
घर के लिए सारा घर के लिए सामान चाहिए, उसी में हम कमाएंगे अपना। तो 100 लोगों को लेके आएंगे हम, उनका ट्रैवल का जो भी है और उनके यहाँ शॉपिंग, क्योंकि वो इंडिविजुअल हैं होलसेल में कर नहीं सकते, वो रिलीफ मैं दूंगा उनको। तो एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में किस टाइम पे मैं ला सकता हूँ और कितने लोगों का? सर अगर लोग कंफर्म नहीं, बट आप मेरे को अगर थोड़ा पहले कंफर्म कर दो कि कल मेरे इतने लोग आ रहे हैं, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप ऐसा करिए आफ्टरनून के टाइम में भेज दीजिए, इवनिंग भेज दीजिए, मॉर्निंग में भेजिए, ताकि वो शॉपिंग भी अच्छे से कर सके और उनको भी अच्छा फील हो कि हमने ऐसा परचेज किया मॉर्निंग में। और आप मुझे अगर एक दिन पहले बोल देंगे तो मैं आपको टाइम आराम से बता दूंगा। कितने लोगों को आप अलाउ करेंगे? जितनों को आप कंफर्म करेंगे सर। 100 अगर कर दूँ बिल्कुल दूंगा सर आराम। अच्छा सर, कंपनी की पॉलिसी तो नहीं आएगी कि आप मतलब इंडिविजुअल को शॉपिंग की जगह होलसेल क्यों करवा रहे हैं? आराम से आपका कार्ड बना हुआ है ना, हाँ हम उस कार्ड से करवाएंगे। ठीक है, कोई आपका सुपरवाइजर आ गया या किसी को? मेरा नाम गोविंद सोनी, मैं यहाँ पे फ्लोर इंचार्ज हूँ, पूरा आइडिया मैं देखता हूँ यहाँ पे सेल्स का, आपको कोई किसी बना करेगा। अच्छा, कोई कन्फर्मेशन तो नहीं लोगी आप तो एडमिनिस्ट्रेशन से अपने डिपार्टमेंट में? कोई किसी नहीं, आपका कार्ड बनेगा और आपके कार्ड के भी आप एंट्री दे रहे हो आप एग्री। देश की राजधानी दिल्ली, जहां से केंद्र सरकार ने FDI की गाइडलाइन तैयार की, उसी राजधानी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फ्रांस की जानी मानी कंपनी कारफोर ने अपना पहला स्टोर खोला। कोबरा पोस्ट पहले इस कंपनी के अन्य स्टोरों का जायजा ले चुका था। उम्मीद थी सरकार की नाक के नीचे सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन कोबरा पोस्ट की टीम जब कारफोर के इस स्टोर में दाखिल हुई तो यह देख कर हैरानी हुई कि इस स्टोर का हाल तो आगरा, मेरठ और जयपुर से भी बुरा था। यहाँ घरेलू सामान खरीदने वाले सामान्य उपभोक्ता बेरोक टोक खरीदारी कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब दिल्ली पुलिस के कुछ जवान भी स्टोर के अंदर खरीदारी करते नजर आए। अच्छा, आप लोग शॉपिंग? हाँ जी। पर्सनल शॉपिंग? हाँ जी। अच्छा, कर लेते हैं कर। आप लोगों को अलाउ कर देते हैं ये लोग? जब इनकी चौकीदारी हम करते हैं जी, हमारे लिए इतना सा काम नहीं कर सकते? हाँ ये बात तो है। कारफोर सीलमपुर के की अकाउंट मैनेजर ने भी इस होलसेल स्टोर में पर्सनल शॉपिंग के दरवाजे सामान्य उपभोक्ताओं के लिए खोल दिए। अनमोल कुमार गुप्ता ने हमारे रिपोर्टर से कहा कि वह 50-60 लोगों को स्टोर के अंदर शॉपिंग की इजाजत दे सकता है। अनमोल ने कहा एंट्री हो जाएगी, एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ अपने फूड कोर्ट के लिए परचेजिंग करेंगे, बाकी के अलावा इनका कहना है मैं क्या कर रहा हूँ कि एक अपने कुछ सोसाइटी के लोगों को लेके आऊँगा, 50-60 लोगों को, बस मैं अपने कार्ड के बिहाफ पे उनको शॉपिंग करवाऊँगा। और कार्ड मेरे 6 है, मतलब 3 है। 3 तो वो ऐड ऑन दो होते हैं। अभी जो बात चली थी वही है क्या? नहीं, एनजीओ का कौन, किसी ऐसे एनजीओ का फोन आ रहा था कि एंट्री करनी है, हो जाएगा। उसके लिए आपको अपनी लेटर हेड पे लिखना, लिख के देना होगा जिस बंदी की एंट्री करानी होगी। इनका तो ये हफ्ते में रोज आएगा, फिर महीने में 2-3 बार तो रहेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन लेटर हेड पे आपको लिख के देना पड़ेगा। 50 लोगों की एंट्री हुई है इसलिए भी सर यहाँ पे जो प्रोसेस है उसके लिए आपको तो देना पड़ेगा ना। अच्छा, लेटर 50 लोगों का, अगर 50 लोग आते हैं तो लेटर किसके नाम? कंप्यूटर एरिया में ऐसे दोनों लड़के मेरे पास, मैनेजर कारफोर WCNC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सीलम। जल्दी से भेज दो। हाँ जी बताइए। नहीं, एक बार मैं क्लियर कर दूँ ना आपको सारी चीज़ें। हाँ बताइए। ये फूड कोर्ट का बिजनेस तो अलग रहा हमारा, उसके अलावा मैंने क्या किया, ये है नहीं, अभी मुंबई में हो रहा है केवल। और बास्केट ऑर्डर करते हैं हम, लोगों से लेते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर देते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हमने बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस, कि आपका होल सेल स्टोर है, हमने क्या किया, हमने मेम्बर बनाए हाउसिंग अपार्टमेंट में, किसी अपार्टमेंट में 100 मेम्बर हैं, किसी में 50 हैं, उनको क्या है, बंधन वाले को तो मेट्रो में 2% मुझे मिलता है एक्स्ट्रा मेट्रो की तरफ से, वहाँ मैं उन्हें मतलब अपना मार्जिन बचा के और उनको मैं मार्केटिंग करवा रहा हूँ यहाँ पे। 2% आपको बच जाता है? हाँ, 2% तो अलग मेट्रो दे रहा है, वो तो इंटरनल है, उनसे मैं 5% लूँ या 6% लूँ वो मेरा है, उसके बदले में मेरा कार्ड यूज करेंगे और मैं उन्हें कन्विंस दे रहा हूँ, उन्हें लेके आप क्या मुझे
शॉपिंग कराएंगे। तो आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि एक टाइम में आप 50-60 लोगों को अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? सारे लोग रेपुटेड फैमिलीज होते हैं, वो वेट नहीं कर सकते बाहर, हाउस वाइफ्स होंगी तो कम्फर्टेबल उनको शॉपिंग हो जाए। इस रिगार्डिंग पहले से मैं आप लोगों से बात करता हूँ, उसके बाद फिर जब आप ओके कर देंगे तब हम लेके एंट्री हो जाएगी। एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जिस बंद उसका यहाँ पे आपको एक तो अपना लेटर हेड पे मेरी कंपनी का लेटर हेड होगा, हाँ वो देना होगा अकॉर्डिंग टू प्रोसेस। प्लस आपको जिस बंदे की एंट्री हो रही है उसका आईडी का जेरॉक्स कॉपी होगी देनी होगी। अच्छा, जो भी एंट्री करेगा, जो एंट्री करेगा 50 लोग हैं तो 50 की आईडी का जेरॉक्स कॉपी। एक ही लेटर में लिख दें कि ये 50% पर्टिकुलर हर बंदे की जेरॉक्स कॉपी जरूर चाहिए, वो जरूर वो हम कलेक्ट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मिस हैपनिंग ना हो, हाँ आप आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ हाँ ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कर देंगे। और तो बस यही इजी है कि मतलब कम्फर्टेबल, मैंने देखा वैसे कर तो रहे हैं लोग, हाउस वाइफ के साथ आते हैं अपना खरीदारी करते हैं, कोई दिक्कत तो आती नहीं उनको। दिक्कत क्यों होगी?